हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट सिरप के बारे में, जो कि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। आजकल फास्ट फूड का सेवन हम लोग ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियाँ होती हैं। तो उसको पूरा करने के लिए और इस प्रकार के हमारे शरीर में कमजोरी ना हो, उसके लिए इस सिरप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सा सिरप है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ इस विभुन सिरप को, जो कि बहुत ही अच्छी है हमारे सेहत के लिए। हमारे जो शरीर में कमजोरियाँ हैं, जो मल्टी विटामिन्स मिनरल्स की कमी है, उसको ये अच्छी तरह से पूर्ति करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस विभुन सिरप के बारे में। दोस्तों, विभुन सिरप जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड की बनाई हुई एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, जो कि हमारे शरीर में होने वाली कमजोरियों को दूर करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी एमआरपी के बारे में। तो विभुन सिरप की एमआरपी 120 रुपीज है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस विभुन सिरप के अंदर कौन कौन से मोलिकूल का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, विभुन सिरप के अंदर पायरिडोक्सिन का इस्तेमाल किया गया है, नाइसिनामाइड का इस्तेमाल किया गया है, साइनोकोबालामिन का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर जिंक का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर बी कैरोटीन का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर मैग्नीज, सेलेनियम, लाइसिन, लोडिन और बायोटिन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, या फिर आपको वेन से संबंधित अगर बीमारी हो, या फिर आपको कैल्शियम की कमी हो, इसमें कैल्शियम का भी मिश्रण किया गया है, तो आपको, या फिर जनरल वीकनेस की समस्या हो, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं खास करके ये सिरप जो है वो कौन कौन सी बीमारियों में या फिर किन लक्षणों में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, विभुन सिरप जो है इसे आप जनरल कमजोरी में ले सकते हैं, यानी कि जनरल वीकनेस अगर आपको है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चक्कर आने की समस्या है या फिर लो बीपी की समस्या रहती है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको और किसी भी प्रकार की कमजोरी है या फिर आपको विटामिन की कमी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप और भी किसी प्रकार की मल्टी विटामिन सिरप का यूज कर रहे हैं, या फिर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यूज कर रहे हैं, तो आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, अगर आप एलर्जी की दवा ले रहे हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, इसके बाद ही इस सिरप का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो इस विभुन सिरप के इस्तेमाल से बहुत ही कम नुकसान देखे गए हैं या साइड इफेक्ट देखे गए हैं। अगर इसके इस्तेमाल के तुरंत बाद अगर आपको उल्टी या फिर चक्कर आने की समस्या होती है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस विभुन सिरप के अंदर इस प्रकार की बोतल होती है, तो आप जब भी दवा खरीदें तो इसे देख कर ही खरीदें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी या ये जानकारी आपको कैसी लगा, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों, अगर इस प्रकार की और वीडियो की जानकारी आपको चाहिए, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जितने भी मेरे नए वीडियो होंगे, सबसे पहले आपके पास होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।